हेलो दोस्तों कैसे हो मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोज़ में आज के इस वीडियो में हम विश्वनाथन आनंद जी की एक और बेहतरीन गेम देखेंगे ये गेम उन्होंने 2017 में पीटर लको के सामने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में खेली थी आनंद जी के वाइट पीसेस थे उन्होंने गेम की शुरुआत ई से की पीटर रेको ने रिप्लाई दिया ई फाई एंड नाओ नाइट टू एफ थ्री नाइट टू सी सिक्स बिशप सी फोर बिशप सी फाई कैसलिंग शॉर्ट सोई है गायकोपियानो नाइट टू एफ सिक्स डी थ्री कैसलिंग शॉर्ट एच थ्री डी सिक्स एंड c3 सी थ्री सी थ्री का आइडिया ये होता है कि हम जो है आगे चल के डी फोर करना चाहते हैं और फुल सेंटर जो है वो लेना चाहते हैं ए सिक्स गेम में खेला गया एंड now ए फोर एंड बिशप टू so सो बिशप ए सेवन जो है दोस्तों वो एक्चुअली एंटिसिपेशन है कि वाइट जो है आगे चल के डी फोर खेलने वाला है सो so, अब जो है हम डी फोर नहीं खेल सकते अदरवाइज़ नाइट कैप्चर जो है ई फोर पॉसिबल होता है नाइट बी टू डी टू नाओ नाइट टू ई सेवन सो so, ये नाइट जो है वो G6 सिक्स टू जो है F4 जाती है जबकि वाइट की अगर ये नाइट देखे तो दोस्तों नाइट टू F1 वन एंड कहीं केस में नाइट E3 थ्री एंड नाइट जी थ्री जैसा मेनूर करती है सो so, ये जो है सिमिलर टू रूयल ऑफेस जैसा ही है बट यहाँ पे ब्लैक के पास जो है एक एडिशनल डिफेंसिव रिसोर्स होता है नॉर्मली रूयल ऑफेस में हमारा बिशप बी फाइव ए फोर एंड देन जो है सी टू पर आता है तो उस केस में क्या होता है कि डी फाइव जो है ब्लैक को भी टेम्पो नहीं मिलता है बट इसमें जो है ये पॉसिबिलिटीज़ होती है यहाँ पर आनंद जी ने रुक टू एन खेला एंड नाउ सी सिक्स सी सिक्स का पर्पज़ यह है कि ब्लैक यहाँ पे डी फाइव प्रिपेयर कर रहा है इसलिए आनंद जी ने जो है बिशप टू बी थ्री खेला बिशप बी थ्री का आइडिया ये है कि अगर आप डी फाइव खेलते हो तो आपका पोन ऑन ई फाइव जो है वो अंडर अटैक होता है नाइट जी सिक्स पीटर लेको ने खेला और बिशप सी टू रुक ई एट डी फोर फाइनली एंड नाउ नाइट टू एच फाइव सो नाइट एच फाइव का पॉइंट क्या है नाइट एच फाइव एंड नाइट एफ फोर जो है वो इस्टब्लिश होना चाहता है हमने ऑलरेडी एच टू एच थ्री खेला है जिसकी वजह से जब भी हम जी थ्री खेलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पोन ऑन एच थ्री वो अंडर अटैक होता है दूसरा हमारा किंग जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा वीक हो जाता है यहाँ पे आनंद जी ने नाइट टू एफ वन खेला एंड नाउ नाइट एच टू एफ़ फोर एंड नाउ नाइट टू जी थ्री सो हमारी नाइट जो है आगे चल के एफ फाइव या तो एच फाई पर जा सकती है ई कैप्चर्स ऑन डी फोर एंड नाउ सी कैप्चर्स ऑन डी फोर डी फाइव एंड नाउ ई फाइव सी फाइव वाइट के सेंटर को ब्रेक करने की ट्राई बट बिशप कैप्चर्स ऑन जी सिक्स नाइट कैप्चर्स ऑन जी सिक्स फोर है ना बिशप टू जी फाई क्विन पर अटैक है और इस पोजिशन में स्टॉक भी सजेस्ट कर रहा है कि ब्लैक के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि वो जो है क्वीन टू एफ आई खेले और वाइट की क्वीन डी टू मूव जो है उसको स्टॉप करे क्योंकि क्वीन डी टू जो है वो काफ़ी डेंजरस बन सकती है क्योंकि हम देखेंगे किस तरह से आनंद जी ने जो है बाद में अटैक अचीव किया बिशप टू जी फाई एंड गेम में जो है वो नाइट टू ई सेवन खेला गया और यहाँ से वो वाइट की गेम जो है वो प्लस हो गई ब्लैक कभी भी जो है वापस गेम में नहीं आ सका क्वीन टू डी टू आनंद जी ने खेला सो एच सिक्स अब ब्लैक ने खेला बिशप को जो है किक करने की ट्राई बट अब बिशप टू एफ सिक्स ब्रिलियंट मूव और इस बिशप को कैप्चर नहीं किया जा सकता अगर आप करते हो दैन सब कुछ फोर्स है यहाँ पे। क्वीन कैप्चर्स ऑन एच सिक्स और अब हमारी थ्रेट है पॉन कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स जिस केस में जी सेवन को जो है सेव करने के लिए नाइट एफ फाइव जो है खेला जा सकता है बट दैन नाइट कैप्चर्स एफ फाइव वहाँ पर जो है विनिंग uh, है सो so, इसीलिए पहले जो है नाइट टू एफ फाइव खेला गया एंड नाइट कैप्चर्स ऑन एफ फाइव बिशप कैप्चर्स ऑन एफ फाइव ई कैप्चस ओन एफ सिक्स सो जी सेवन पर जो है चेकमेट की थ्रेट है रुक कैप्चस ई वन फोर्स ताकि क्वीन जो है वो एफ एट तक आ सके एंड ना रुक कैप्चस ई वन क्वीन एफ एट बट नाव क्वीन जी फाइव सो बिशप जा रहा है सो बिशप टू जी सिक्स एंड ना रुक टू ई सेवन सो यहाँ पर थ्रेट है नाइट टू ई फाई नाइट कैप्चस जी सिक्स या फिर नाइट टू एच फोर नाइट कैप्चस जी सिक्स फोन कैप्चस के बाद जो है रुक टू सिंपली जी सेवन पे चेक और उसके बाद क्वीन एच सिक्स जो है चेकमेट हो रही है सो रुक ई एट जो है मोरलेस फोर्स बट नाव नाइट ई फाइव एंड से रूप कैप्चस ई सेवन आप इस पोजिशन में खेलते हो बट देन एफ कैप्चस ई सेवन और यहाँ पे व्हाइट जो है कम्पलीट लीवनिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन पे एटेक है और क्वीन जो है ई एट पर जाएगी देन नाइट टू जी फोर एंड नाइट टू जो है एफ सिक्स क्रशिंग है सो बिशअप टू एफ सिक्स को जो है कैप्चर नहीं किया जा सकता किंग एच सेवन गेम में खेला गया ना नाइट टू जी फाइव चेक एक पीस तो जा ही रहा था यहाँ पर आनंद जी ने जो है दूसरा पीस भी दे दिया सो पॉइंट क्या है कि अगर आप जो है यहाँ पर नाइट को कैप्चर करते हो दैन सिम्पली अ क्वीन कैप्चस ऑन जी फाइव सो so, जी सेवन पर चेकमेट की थ्रेट है एंड पोन कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स के बाद ई कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स नाइट जा रही है चेकमेट की भी थ्रेट है सो नाइट टू जी सिक्स बट देन इस पोजिशन में हम सिंपली क्वीन टू एच फाइव चेक दे सकते हैं एंड आफ्टर किंग जी एट यहाँ पर हम जो है क्वीन टू एच सिक्स खेल सकते हैं आइडिया ये है कि अगर रुक कैप्चर्स रुक देन रुक कैप्चर्स रुक और बाद में क्वीन एफ एट आता है देन रुक टू ई एट वहाँ पर जो है जस्ट uh, विनिंग है राइट right? सो so, इसीलिए नाइट टू जी फाइव चेक को भी जो है कैप्चर नहीं, I mean, नहीं किया जा सकता आई मीन नाइट को कैप्चर नहीं किया जा सकता गेम में जो है किंग जी एट खेला गया नाउ नाइट टू जैसा एच फाइव सो so, देखिए कितना अटैक कर रहा है दोनों पीस जो है अंडर अटैक है बट दोनों में से किसी भी पीस को जो है कैप्चर नहीं किया जा सकता यहाँ पर एक्चुअली जो है पीटर लेको ने अब एप सिक्स वाले बिशप को कैप्चर किया अब यहाँ पर अगर वो जो है नाइट को कैप्चर करते हैं देन क्वीन कैप्चर्स जी फाइव जो है यहाँ पर कंप्लीटली क्रशिंग है क्योंकि नाइट टू जी सिक्स में जो है वो क्वीन जा रही है सो नाइट एच फाई एन जी कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स गेम में खेला गया एंड और नाइट कैप्चर्स ऑन एफ सेवन जबकि उधर जो है कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि आपको जो है नाइट कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स चेक देना चाहिए ना आफ्टर किंग जी सेवन नाइट टू एच फाइव चेक बैक एंड आफ्टर किंग जी सिक्स यहाँ पर नाइट कैप्चर्स ऑन एफ सेवन जो है पॉसिबल है गेम में जबकि आनंद जी ने पहले जो है नाइट कैप्चर्स एफ सेवन खेला किंग कैप्चर्स एफ सेवन के बाद सिंपली क्विन कैप्चस ऑन एच सिक्स और वाइट की थ्रेट अब है पोन ई सिक्स चेक ताकि ई सिक्स स्क्वेयर जो है बिशप से कवर हो जाए और उसके बाद क्वीन जी सेवन अचेकमेंट वहाँ पर अपकोर्स ब्लैक जो है अलग अलग ट्राई कर सकता है बट वाइट का अटैक जो है वो विनिंग है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है और हम जो है आगे चल के कुछ ऐसा ही अटैक देखेंगे सो वहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे एक्चुअली गेम में चलते हैं जहाँ पर जी कैप्चस एफ सिक्स के बाद आना जी ने नाइट कैप्चस ऑन एफ सिक्स पहले नहीं खेला उन्होंने डायरेक्टली जो है नाइट कैप्चर्स ऑन एफ सेवन खेला सो एक जो है बिशप दे दिया अब आप जो है इस नेट को भी कैप्चर कर सकते हो और इस पोजीशन में से आप जो है नाइट को कैप्चर नहीं करके आ, क्वीन को कहीं और सेव करने की ट्राई करते हो उसे क्वीन सी सेवन बट देन क्वीन कैप्चर्स ऑन एच सिक्स जो है यहाँ पर विनिंग है सी सेवन पर चेकमेट की थ्रेट है दूसरी और नाइट कैप्चर्स एफ सिक्स आ रहा है रुक ए थ्री टू रुक जी थ्री जो है वो भी पॉसिबल है सो गेम में जो है नाइट कैप्चर्स एफ सेवन के बाद किंग कैप्चर्स ऑन एफ सेवन पीटर लेको ने खेला एंड नाउ क्वीन कप्चस ऑन एच सिक्स सो यहाँ पे चेकमेट की थ्रेट है लाइक पहले पोन ई सिक्स और उसके बाद जो है क्वीन जी सेवन चेकमेट नाइट टू एफ फाइव गेम में खेला गया क्वीन पे अटैक है क्वीन एच सेवन चेक एंड नाउ किंग एफ एट और वहाँ पे जो है अगर आप किंग ई सिक्स जाते हो देन नाइट एफ फोर जो है वो चेकमेट हो रही है सो क्वीन एच सेवन के बाद किंग टू एफ एट एंड नाउ ई कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स प्रोप थ्रेट है नाइट टू एफ़ फोर टू नाइट टू जी सिक्स और ये बारिश जो है वो शुरू हो गई तो माइट भी आपको जो है वो थोड़ा ऑडियो में डिस्टर्बेंस आएगा यहाँ पे बिशप टू ई सिक्स नाव पिटल लेको ने खेला एंड नाव नाइट टू एफ़ फोर सो अब जो है आ, क्वीन का एक्चस एफ सिक्स उन्होंने खेल दिया और यहाँ पर अब जो है क्वीन देना फोर से सो नाइट एफ फोर के बाद कोई और चांस था कि आप जो है नाइट जी सिक्स को स्टॉप करो से आप जो है अब बिशप टू एफ सेवन खेलते हो बट देन क्या होगा क्वीन टू एच एट चेक एंड आफ्टर बिशप टू जी एट नाव जो है जी फोर और जैसे ही जो है ये नाइट रिमूव होती है यहाँ से हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि हम सिंपली जो है अकविन टू जी सेवन चेक देके के मैट कर देना चाहते हैं और से आप जो है अब अकविन डी सेवन खेलते हो जी सेवन स्क्रेट को कवर करते हो बट देन नाइट टू जी सिक्स चेक एंड आफ ट्रैकिंग एफ सेवन जस्ट चिक आप चेसोन फाइव जो है विनिंग है क्योंकि अक्विन टू जी सेवन जो है वो चेकमेट की थ्रेट है और इनफेक्ट यहाँ से जो है तीन मूव में बाई फोर्स चेकमेट हो रही है सो गेम में नाइट एफ के बाद पीटर लेको ने डिसाइड किया कि वो अपनी जो है क्वीन दे देंगे सो उन्होंने खेला क्वीन कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स एंड नाउ नाइट टू जी सिक्स चेक सो क्वीन कैप्चर्स जी सिक्स जो है वो है क्वीन टेक्स ऑन जी सिक्स एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन जी सिक्स और यहाँ पे ब्लैक के पास तीन माइन और पीसीज है क्वीन के बदले में बट अगर पोजिशन को ध्यान से देखें तो ये तीनों पोन जो है वो काफ़ी डेंजरस है और ब्लैक का किंग जो है वो की चीज़ है कि काफ़ी वीक है पीटर लेको ने नाइट टू जी खेला एंड ना हो रुक ई सो ढेर सारे कनेक्टेड आइडिया है रुक डबल हम कर सकते हैं रुक टूव थ्री रुक टू जी थ्री के लिए भी जा सकते हैं रुक ई सेवन गेम में खेला गया एंड ना रुक ए टू ई ई वन ए ना रुक ए टू ई एट ए ना रुक जी थ्री सो थ्रेट हमारी ये है रुक कैप्चर्स ऑन ई सिक्स जिसमें अगर रुक से कैप्चर करते हो तो क्वीन कैप्चर्स जी सेवन चेकमेंट हो रही है नेट से कैप्चर करते हो देन जो है वो क्वीन टू जस्ट जी एट चेकमेंट हो रही है सो रुक टू एफ सेवन गेम में खेला ताकि किंग ई सेवन पर जो है निकलने की जगह मिले और अब रुक कैप्चस ई सिक्स अच्छा नहीं है क्योंकि रुक कैप्चस जो है ई सिक्स गेम में खेला जा सकता है एच फोर आनन्द जी ने खेला सो यहाँ पर वो जो है अपना पासफोर्ट पुश कर रहे हैं ना बिशप टू अब बी एट रुक पे अटैक है ना रुक ई टू सॉरी रुक जी टू ई थ्री रुक एफ टू ई सेवन एंड डी कैप्चर्स ऑन सी फाइव सो जो है आनंद जी अब सिर्फ मटेरियल के जो है कैप्चर कर रहे हैं बिशप टू एफ सेवन क्वीन अटैक है क्वीन एफ सिक्स and now rook ई थ्री rook captures ई थ्री रुक कैप्चस ई थ्री एफ एक्स वन ई थ्री और अब तीन माइनर पीस वर्सेस जो है क्वीन की फाइट है बट जैसा कि हम देख रहे हैं किंग विक होने की वजह से यहाँ पर क्वीन जो है तीन माइनर और पीसीज पर काफ़ी भारी है बिशप टू सी सेवन पीटर लेको ने खेला एन ऑ जी फोर नाइट ईट क्वीन एच एट चेक बिशप टू जी एट एन ओ एच फाइव सोथरेट जो है एच सिक्स एच सेवन की अब बिशप टू डी एट गेम में खेला गया और यहाँ पर जो है लास्ट है क्योंकि से आप जो है एच सिक्स खेलते हो देन क्या होगा बिशप टू एफ सिक्स में जो है क्वीन ट्रैप हो रही है फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस और टेबल जो है टर्न हो जाता है यहाँ पे ब्लैक विन हो जाता है बट एच फाइव के बाद बिशप टू डी एट एंड आनंद जी ने सिंपली क्वीन एच सिक्स चेक दिया नाउ नाइट जी सेवन ना क्विन टू डी सिक्स चेक बिशप टू ई सेवन क्विंग टू बी एट चेक नाइट टू ई एट एंड नाउ बी फोर क्योंकि बिशप कैपच्स ई फाइव आ रहा था और अब जो है क्वीन कैपच्स बी सेवन खेला जा सकता है ए फाइव क्विंग कैपचस ऑन बी सेवन ए कैपचस वन बी फोर क्वीन केपच्चस ओन बी फोर देखिए तीन माइनोर पीस होने की वजह से अकेली क्वीन जो है वो चेकमेट नहीं कर सकती बट क्वीन जो है काफ़ी ढेर सारे पोन जो है इकट्ठा कर सकती है और बाद में वही पोन जो है वो रीजन बनेंगे पीटल लेको के रेजिग्नेशन के यहाँ पे नाइट एफ सिक्स पीटल लेको ने खेला एंड क्वीन एफ फोर नाइट को पिन किया सो पोन एफ फोर जो है वो थ्रेट है किंग ई एट एंड ना सी सिक्स बिशअ टू ई सिक्स एंड नाउ जस्ट एट सिक्स सो अब जो है नेक्स्ट मूव हम जी फाइव खेल सकते हैं या फिर जो है सी सेवन खेल सकते हैं या फिर जो है ए फाइव टू ए सिक्स सो ये पोजीशन जो है वो वाइट के लिए कम्प्लीटली विनिंग थी इसलिए इस पोजीशन में पीटर लेको ने रेजिग्नेशन दे दिया है सो so, दोस्तों कैसी लगी आपको विश्वनाथन आनंद जी की ये गेम और आज का ये वीडियो और हाँ एक बार और आप जो है मुझे ज़रूर बताइए कि वॉइस क्वालिटी में क्या चेंज हुआ है क्योंकि मैंने जो है माइक चेंज किया है सो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद जय हिंद बाय बाय